नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मेरा सफर आपके साथ। तो आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं और शाम को वॉक करने आए हैं। वॉक के मजे ले रहे हैं मम्मी और मैं, साथ में बहनें भी आई हैं लेकिन वो अभी कहीं और हैं। तो ये रही मम्मी। नमस्ते दोस्तों। समर में आए अपन, हम भी खूबे चाह, तुम भी खूबे चाहना, सब बच्चों लोग समेत। और अपन आए आज समर में, विंटर में तो आयो नहीं, पर समर में विंटर में हम आया छा, हम आप लोग में दिखाए थे, पर समर में छा आया का। हाँ जी। देखो ना याग नहीं क्या कहते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो अभी वॉक करने आए हैं और मम्मी और मैं वॉक कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ चल रहा है यहाँ पे, कोई रो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है और घूम रहे हैं सारे। तो ये लगा है स्कूल के पीछे मेला, ये वही स्कूल है जो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ, जहाँ मेरी बहन और ये सब पढ़े हैं। ये छोटे बच्चों का स्कूल है और मेला लगा है वहाँ पे। अभी बच्चे खेल रहे हैं, बाकी हमारी लड़कियाँ यहाँ पर झूम रही हैं और मम्मी अभी भी खड़ी हैं। अच्छे तरह क्लास कौन आ रहा है? कुछ अच्छा, हमारे पढ़ो। हेलो, हाउ आर यू? ये हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोस पलों की लड़कियां, वो भी आ रखे होंगे ना यहाँ मेले में। अच्छा, स्कूल लेवल यहाँ पर मेरी छोटी वाली बहन की फ्रेंड है। यहाँ से पानी खोलते हैं, वो स्विमिंग पूल है छोटे बच्चों का। अब गर्मियों में वो पानी भरते हैं, फिर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहते हैं। अब समर वेकेशन होते हैं ना जुलाई से, जुलाई अगस्त, तो तब खोलेंगे वो। ये बाबा आदम के जमाने का पेड़ कितना बड़ा है ना। एक बार मैं इस पेड़ पे चढ़ी थी और ऊपर से गिर गई थी, यहाँ ऊपर से। काफी बड़ा पेड़ है ये। मान मम्मी झूल रही है अभी झूला। मम्मी बोल रही मेरा बचपन चल रहा, तो मैं झूल रही हूँ। हमारे गांव में जैसे पेड़ों पे लगा के बनाते थे। मम्मी कह रही कि बचपन में अपने गांव में हम ऐसे करते थे, पेड़ों पे बना के खेतों में जाते थे काम करने, लेकिन फिर झूला झूल रहे होते थे वहाँ। तो मौसम है यहाँ पर काफी अच्छा, दो तीन दिनों से यहाँ पर काफी आग लगी जंगलों में, आसपास के जंगलों में, तो वो हो रहा था क्या, धुंध धुंध सी हो रखी थी। आज भी थोड़ा गुमसुम है मौसम, लेकिन धूप है थोड़ी सी। और यहाँ पे जंगलों में काफी आग लग जाती है ना मम्मी? यहाँ आग लग रही है कि कुछ इस मात से लकड़ी होनी नीचे, तो वजह से बर पैर ना टूटे, हर साल मोल हर साल टूट तब तो आग लग जाती है। जंगलों में काफी आग लग जाती है, और पूरे कनाडा में ही, ऐसे नहीं कि एक जगह पे, पूरे कनाडा में भी ऐसा हाल होता है। लकड़ी तो तब से सुख सुखी थे खत्म हो जाए, कोई बीड़े सिगरेट भी पिए जाना ना, तो वजह से लगे। तो हम लोग अभी मम्मी में वॉक कर ही रहते, तब मेरा भाई भी आ गया। ये वो लोग बोल रहे कि सुपर स्टोर चलते हैं, चल लेते हैं फिर। आने दो मुझे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सुपर स्टोर, गाड़ी में बैठे हैं, मैं ऊपर पकड़ के बैठी हूँ। और ये बाहर की हमारी खूब। तो अभी हम आ गए हैं सुपर स्टोर ग्रोसरी करने, और मम्मी को यहाँ से थोड़ी खाद भी लेनी है। हाँ। क्योंकि खीरे आ गए हैं, है ना? हाँ, खीरा पानी डाल डाल के मैं बोली खाद इधर हो गई, तो खाद
उसके लिए वो करनी है। बाकी इन्होंने ऐसे सुपर स्टोर में बाहर फूल लगा रखे होते हैं, खाद भी लगा रखी होती है गर्मियों में। ये फूल ना लगाए हैं, कितने सारे फूल लगा रखे हैं। अभी महंगे हैं ये, बाद में ये सस्ते हो जाते हैं ठंड, फिर वो सस्ते होकर करेंगे भी क्या बाद में, है ना, फिर तो लोग लेते ही नहीं। अब हम देखने जा रहे हैं ट्रैवलिंग किट, हम जल्दी ही ट्रैवल करने वाले हैं मैं और मेरी सिस्टर, तो ऐसे छोटा छोटा सामान मिलता है ताकि वो लगेज में ले जाने को हो जाए, यूज़ करने को जहाँ भी तुमने जाना है। तो अभी देखते हैं कौन सा लेना है। जैसा सूरज इनके पास वो होता था ना पूरा, जो पूरा मिलता है जिसमें शैम्पू कंडीशनर और हाँ, पूरा किट सा मिलता था। हाँ, कहाँ है? अच्छा ये वाली किट, ऐसे किट बोलते हैं, इसे ट्रैवलिंग किट बोलते हैं। ये मिलती है, इसके अंदर छोटा सा शैम्पू, छोटा सा साबुन, छोटा सा ये सब कुछ मिलता है। ये नैपकिन हो गए और फिर इसे फिर जहाँ यूज़ करो, अगर नहीं भी घर लाना, घर तो क्या ही, फिर थोड़ा थोड़ा ही इसमें, कहीं भी अगर आपको फ्लाइट से जाना है तो ये ऐसे बना हुआ मिलता है, ये ले लेंगे हम लोग। ये ठीक है ना, ये देखो तो किसी ने खरबूजा कैसे फोड़ दिया बीच में, पता नहीं फूट गया होगा। तो फिर चलते चलते हम पहुंचे केक वाले सेक्शन में, तो देखिए कितने सुंदर सुंदर केक लगा रखे ना इन्होंने। वैसे तो आज कुछ स्पेशल ओकेशन था नहीं, हमने लेना नहीं था, लेकिन जो मेरे छोटे भाई बहन हैं इनको हो रही थी क्रेविंग्स केक खाने की, तो हम गए। फिर इसमें से कुछ केक होते हैं काफ़ी मीठे होते हैं, लेकिन कुछ का जो सटल टेस्ट होता है, तो हमने फिर वो वाला लिया। ये है इनका नान का सेक्शन, मेरे फेवरेट। तो ये नान बने बनाए मिलते हैं और इनको बस घर जाके सेकना पड़ता है थोड़ा सा। रोटी भी मिलती है यहाँ पर, ये होंगी नहीं, ये तो पीटा रोटी, रोटी लिखा रहता है उसमें, पता नहीं कहाँ है। अभी हम लोग करवाने लगे हैं बिलिंग और ये मेरा भाई स्कैन कर रहा है सारी चीज़ें। यहाँ पे सब खुद ही बिलिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे कोई और नहीं करके, मतलब कोई और नहीं करता, खुद ही स्कैन करके फिर खुद ही पे करके खुद ही चले जाओ। ये मम्मी खड़ी हो रखी है यहाँ पर, कोविड के बाद हुआ ये वाला सिस्टम कि खुद ही पे करो, खुद ही बिलिंग करो। लोग जॉब चल गए ना, हाँ जॉब में तो जाएंगे ना, क्योंकि अब ये सारा ये हो गया, तो यहाँ स्कैन करके खुद ही ले लो, कोई और होता ही नहीं। यहाँ पे देखो कितने सारे फूल लगा रखे इन्होंने बेचने के लिए, बने बनाए फूल, अब इनको बेच देंगे वो लोग, कई लोग ले लेते हैं, जो आलसी लोग खुद बीज नहीं डालते वो यहाँ से ले लेते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं घर वहाँ से सुपर स्टोर जाके, और ये वेट, ये मम्मी ये लेके आए हैं खाद दो बैग के जी। और ये खाद अभी मम्मी खीरे के ऊपर डालेंगे, बाकी थोड़ा बहुत घर का सामान लेके आए हम लोग। ये दूध की कैनी, ऐसे दूध मिलता है यहाँ पे, ऐसे वाले उसमें 4 लीटर का मिलता है। आप भी चिप्स उठा लो। और ये पार्लेट जी बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट। और ये मेरा भाई सामान उठा के अंदर रख रहा है, इन्होंने बैग में नहीं रखा, इसको जिम जाना ना, इसको लेटर होता बोलता फटाफट ऐसे रख दो, ये आलू लेके जा, गाड़ी ऐसे खुली छोड़िए। थैंक यू सो मच गाइज, जिस किसी ने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा और जो कोई हमारी वीडियोस देखते हैं दिल से थैंक यू, आगे भी ऐसे देखते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लोगों के साथ शेयर करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, नहीं भी अच्छा लगे तो भी कमेंट करना, बताना जरूर कैसा लगा आपको वीडियो। और ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ, अभी मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ अभी बाहर, और बस बाय बाय।